इस पूरी घटना के लिए जिम्मेदार किसी भी अपराधी को बख्शा नहीं जाएगा कि शहादत और उनके बलिदान को व्यर्थ नहीं जाने दिया जाएगा। अपने उन बहादुर जवानों जिन्होंने दिन रात में कोई अंतर महसूस न करते हुए जिम्मेदारी दी, आपदा हो, कानून व्यवस्था की सुदृढ़ स्थिति को बनाए रखने का हो, या आम नागरिक को सुरक्षा प्रदान करने की जवाबदेही का हो, स्वयं के सुख चैन को तिलांजलि देते हुए स्वयं की प्रवाह के बगैर जिस तत्परता और जिस मजबूती के साथ हमारे जवानों ने लगातार कार्य किया है, दिन भर की अपनी ड्यूटी के बाद भी माफिया और आपराधिक प्रवृत्ति के तत्वों के खिलाफ जो अभियान वर्तमान में चल रहा है, उस अभियान के क्रम में ये टीम दबिश देने के लिए गई थी और उस दौरान ये घटना घटित हुई है। मैं अपने इन बहादुर जवानों को उत्तर प्रदेश की 24 करोड़ जनता के सुरक्षा के लिए अपने आप को बलिदान करने के लिए उनकी शहादत को कोटि कोटि नमन करता हूं। शोक संतप्त परिजनों के प्रति हमारी पूरी संवेदना है। उत्तर प्रदेश सरकार अपने हर नागरिक की सुरक्षा के साथ साथ हर शासकीय व्यवस्था के सुचारू संचालन के लिए उत्तरदायी, हर कर्मी और उसके परिवार उनके सुख दुख में सदैव खड़ा होने के लिए पूरी प्रतिबद्ध है। जिन लोगों ने भी यह घटना अंजाम दी है, इस दुस्साहसिक घटना के लिए जिम्मेदार जो भी पाया जाएगा, कानूनन वह व्यक्ति इस घटना की सजा भी भुगतेगा। और मैं इस बात के लिए विश्वास दिलाता हूं कि हमारे जवानों का यह बलिदान किसी भी स्थिति में व्यर्थ नहीं जाएगा। मैं भी शोक संतप्त परिजनों से मुलाकात के साथ ही अपने उन बहादुर जवानों को श्रद्धा सुमन करने का अवसर मुझे और मेरे सहयोगी उपमुख्यमंत्री श्री केशव प्रसाद मौर्य जी को और अन्य सहयोगी मंत्रियों को, जनप्रतिनिधियों को प्राप्त हुआ है।